हाँ ऐसा होता है। चलिए। प्रिय चिकित्सक बंधुओं, आज हमने कल चर्चा की थी सोडा मिंट जेनरिक मेडिसिन के रूप में सोडा बाई कार्ब पर। सोडा बाई कार्ब के बारे में कुछ तथ्य बताने को रह गए थे, वो किसी अन्य एपिसोड में किसी अन्य विषय में ऐड करके बीच में बता दिया जाएगा कि क्या क्या और लाभ होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सिंपैथी की। आपने एलोपैथी का नाम सुना, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, तो इसी प्रकार से एक होती है सिंपैथी। और सिंपैथी की तरह ही अन्य चिकित्सा पद्धतियां हैं जिन्हें कहते हैं बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सब सिंपैथी के अंतर्गत आती हैं। आज जिनको काउंसलिंग के रूप में डेवलप किया जाता है, तो आज चर्चा करते हैं सिंपैथी की। इसके पहले बता दें हमारी संस्था के बारे में जानने, हमारी संस्था 1987 से अल्टरनेटिव नेचुरोपैथी योगा मॉडर्न मेडिसिन में प्राथमिक चिकित्सा के लिए डिप्लोमा कोर्स कराती है, जिसको करने के बाद आप समाज की सेवा कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा सेवा, जन सेवा, तो संस्था के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट देखें www.saimission.org, www.saimission.org। इसमें 15-20 पन्ने हैं, इसका एक एक शब्द दो तीन बार पढ़ें ध्यान करके, फिर तुम्हारे अनुकूल जो कोई कोर्स डिप्लोमा हो उसके बारे में चर्चा करें। अगर आपके यहाँ इंटरनेट सुविधा नहीं है तो निम्न नंबर्स पर अपना नाम और पता लिखा दें, हम आपके पास एक निःशुल्क नियमावली भिजवा देंगे। फोन नंबर्स हैं 9336850868, दूसरा नंबर है 8756465631, और तीसरा नंबर है 9336104146। इन नंबर्स पर अपना नाम पता SMS कर दें या WhatsApp कर दें तो हम आपके यहाँ एक निःशुल्क नियमावली रजिस्ट्री से भिजवाएंगे, जिसे आप पूरा पढ़ें, इसका कोई पैसा नहीं है। पढ़ने के बाद फिर फोन पर संपर्क करें। हमारा एक तात्या साई चैनल है यूट्यूब में जाएं, तात्या साई चैनल सर्च करें या गूगल में सर्च करें, तो आपको हमारे यहाँ के मेडिकल से संबंधित हर विषय पर एपिसोड मिलेंगे, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, अल्टरनेटिव मेडिसिन, नेचुरोपैथी, जनरल मेडिसिन और एनाटॉमी फिजियोलॉजी जैसे विषय होंगे। ऑनलाइन एजुकेशन व्यवस्था है, जो छात्र ऑनलाइन एजुकेशन व्यवस्था है उसे में 2 दिन के लिए बुलाया जाता है, विभिन्न विषयों पर जानकारी दी जाती है, इसे डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। जो कोर्स करें, आओ चर्चा करते हैं सिंपैथी। सिंपैथी माने होता है सहानुभूत चिकित्सा, और जिस चिकित्सक ने सिंपैथी को अपनी प्रैक्टिस में जोड़ लिया है वो मरीजों के लिए भगवान होता है। उसके मुस्कराने मात्र से ही उसका मरीज आधा ठीक हो जाता है। ये आज के पढ़े लिखे योग्य आधे चिकित्सक, क्षमा करें, कह रहे सच है, उन्हें सिंपैथी नहीं आती। मरीज से भी ढंग से बात करते हैं जैसे किसी जनरल अपराधी से बात कर रहे हो, उनके चेहरे पर वो आई एम ईगो दैट माई सेल्फ इज वेल क्वालिफाइड डॉक्टर
रहता है और उसकी बात नहीं सुनते हैं तो ऐसे मरीज जल्दी ठीक नहीं होते हैं। सिंपैथी, सिंपैथी के अंतर्गत ही आती है एक झाड़ फूक चिकित्सा। झाड़ फूक चिकित्सा क्या होती है इसे देखें, जो मार्केट जो समाज में व्याप्त वो नहीं है। एक बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते गिर पड़ता है, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, हल्की सी चोट लग जाती है और रोने लगता है। मम्मी के पास आता है, माता जी उसे उठाती हैं, उसके कपड़ों को झाड़ देती हैं और स्नेह से प्यार से पीड़ित स्थान पर हाथ फेर देती हैं और मस्तक में प्यार भरा चुंबन जड़ देती हैं। इसे कहते हैं झाड़ फूक चिकित्सा। वास्तव में झाड़ फूक चिकित्सा ये है कि हम उसके विकार को, उस विकार को दूर करके, ये तो बात ही बच्चे पर, अब इसी को बड़े पर लागू कर दो। बड़े व्यक्ति को पीड़ा है, आप गए कहाँ दर्द है, ऐसे हाथ फिरा दिया, आप चिंता करें और बस ठीक हो जाएंगे, और धीरे से उसके बालों में उंगली फेर दी या ऐसे कर दिया, बस वो पेशेंट यहीं से ठीक होना शुरू जाता है। क्योंकि पेशेंट जो ठीक होता है वो अपने अंदर की क्षमता से ठीक होता है। एक होती बिहेवियर थेरेपी, व्यवहार चिकित्सा, वो भी इसी में आती है। स्पीच थेरेपी, वो भी इसी में आती है। आज इतना 60% चिकित्सकों का व्यवहार मरीजों के प्रति उदासीन है, इसीलिए सेमिनार किए जाते हैं बिहेवियर थेरेपी पर। सरकार एक सब्जेक्ट ला रही है मेडिकल लाइन की ट्रेनिंग में कि इसे भी इसमें जोड़ा जाए, और कहीं कहीं पर इसे जोड़ दिया गया है कि कैसे मीठा व्यवहार किया जाए। और ऐसा बताया, कुछ डॉक्टर प्रकृति प्रदत्त होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कुछ पढ़ा लिखे होने के बाद, बहुत बड़ा अनुभव होने के बाद, हमेशा उनके चेहरे पर एक विशेष मुस्कान रहती है जो कभी महसूस नहीं होने देने देती है कि ये इतने पढ़ लिखे डॉक्टर हैं। तो अपना व्यवहार अच्छा करिए मरीजों के साथ, मरीजों के परिजनों के साथ, तो आप निस्संदेह अपने समाज के सुप्रसिद्ध डॉक्टर बन जाएंगे और लोक में भगवान के रूप में पूजा करेंगे। आज डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, भगवान को दूसरा रूप माना जाता है, और उसे भगवान की तरह ही हमारी भारतीय संस्कृति पूजा करती थी। आज समय की विडंबना है कि लोग डरने लगे हैं डॉक्टर के पास जाने में, क्योंकि इसमें भी वो MBA घुस गया है, जो खराब MBA है। MBA दो हैं, MBA माने एक व्यापार को अच्छे ढंग से उठाना, और दूसरा है व्यापार में जल्दी से कमाना। एक MBA के बारे में बात कर लेते हैं, मेडिकल का विषय अलग है, ये अलग है। जैसे माचिस की तीली होती है, तो माचिस की तीली में ऊपर एक डंडी होती है, डंडी में थोड़ा सा केमिकल लगा होता है, और जब उससे जलाते हैं तो जल जाता है। पहले क्या था, पूरी की पूरी नली में मोम लगा रहता था, तो जैसे ही जलाया गया वो जल जाती थी। जब ये खराब प्रकार का MBA इसमें घुस गया, तो उनको सेल चाहिए, सेल कैसे चाहिए, मैनेजर को बड़ी तनख्वाह दी जाती है, उसने क्या किया, मसाले के बीच में और इतनी दूरी पे मोम छोड़ दिया। माचिस जलाई गई, जैसे जलाई गई फट से ठंडी हो गई, फिर दोबारा जलाई गई फिर ठंडी हो गई, फिर अब आप अलर्ट हुए, अब आपने जलाया, तो अब जलने के बाद वो जलती है। तो इस प्रकार से जहाँ 1 करोड़ माचिस सेल होती थी, अब उसी 1 महीने में 3 करोड़ माचिस सेल होने लगी। ये है, इसी प्रकार से खराब MBA भी आ गया है हमारे चिकित्सा व्यवसाय में। इसे हम सबको मिलकर के दूर करना चाहिए। जिस मरीज को हम 7 दिन में ठीक कर सकते हैं, उसे हम जबरदस्ती 1 महीने तक लगातार चलाते हैं कोर्स पूरा करने के नाम।
और हर चिकित्सक एंटीबायोटिक पर एंटीबायोटिक देता जाता है, हायर एंटीबायोटिक देता जाता है, जिससे उसके लीवर, गुर्दे, आमाशय सब खराब हो जाते हैं। तो धन कमाओ अच्छे ढंग से, परमात्मा तुम्हें खूब दे, खूब सुखी हो, खूब संपन्न हो। और ध्यान रखना, जो आप धन अनैतिक रूप से कमाएंगे वो निश्चय ही तमाम समस्याओं के साथ 11वें वर्ष से चला जाता है। 10 वर्ष तक ऐसा धन कमाओ कि खूब कमाया, 20 साल से कमाना शुरू किया और 40 साल तक कमाया, और फिर ऐसी बीमारी लग गई, भले डॉक्टर साहब हो या ऐसी कोई समस्या लग गई, कि वो सारे के सारे पैसे सब चले जाते हैं और समस्याएं आती हैं। ये विषय मेडिकल का है, लेकिन नहीं, आज हम बोले हैं सिंपैथी पर, आज बोले हैं बिहेवियर थेरेपी पर। तो इसलिए अगली चर्चा हम लोग फिर करेंगे अगले किसी विषय पर।